नमस्कार, सिटी हलचल न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सिटी हलचल, आपकी आवाज। प्रधानमंत्री योजना के अंतर्गत नदी विवाद के 800 परिवारों को उनके मकान की चाबी सौंपी गई। इस अवसर पर भाजपा के राजीव अग्रवाल, ब्लॉक प्रमुख तपराज सिंह, ग्राम विकास अधिकारी मौजूद रहे। चार वर्ष के दौरान ही मात्र प्रदेश के अंदर 41,73,000 से अधिक लाभार्थियों को ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में एक एक आवास उपलब्ध हुआ। मैं इसके लिए आप सभी लाभार्थी भाइयों बहनों को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। और आज 5,51,000 लाभार्थी अपने गृह प्रवेश कर रहे हैं, इसके लिए भी आप सबके प्रति मेरी मंगलमय शुभकामनाएं हैं, आपको ढेर सारी बधाइयां। लेकिन 4 वर्ष में भैया बहुत 42 लाख के आसपास लोगों को आवास उपलब्ध हो रहा है। मुश्किल से 53 लाख लोगों को 30 वर्षों में आवास मिल पाया है। यानी पहले ये चीजें दिखाती है कि सरकार के पिछले 2014 के पहले देश के अंदर जो सरकार होती थी उसके एजेंडे में गरीब नहीं होता था। उसके एजेंडे का हिस्सा न गांव था, न गरीब था, न किसान था, न नौजवान था, न महिलाएं थी। प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति हम सबको आभार व्यक्त करना चाहिए कि उन्होंने 2014 में आने के बाद गरीब को, गांव को, किसान को, नौजवान को, महिलाओं को बिना भेदभाव के शासन की योजनाओं के साथ जोड़ा। योजना का लाभ प्राप्त हो रहा है, ये प्रधानमंत्री मोदी जी के कृषि विकास के एजेंडे का हिस्सा है। तपराज सिंह, ब्लॉक प्रमुख नजीबाबाद। आज प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत ब्लॉक में लगभग 100 लाभार्थियों को शासन के निर्देशानुसार उनके गृह प्रवेश के अवसर पर मकान की चाबी सौंपी गई है, जिसमें और भी योजनाओं के बारे में बताया गया। इसका ऑनलाइन प्रसारण सरकार द्वारा किया जा रहा है। सभी लाभार्थियों को निःशुल्क आवास की सुविधा उपलब्ध करा दी गई है।